आप देख रहे हैं WAP 7 लोको का ड्राइविंग डेस्क, और इस डेस्क के बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इसके विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। और स्टार्ट करते हैं हम, चलिए कैबिन ए पैनल से स्टार्ट करते हैं। ये पैनल ए है, इसमें लगा हुआ क्या क्या आइटम होता है, यहाँ तक पैनल ए होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पैनल ए होता है। और इस पैनल में ये ड्राइवर के डेस्क के जस्ट सामने होता है, और इसमें लगा होता है पहला आइटम बैटरी को देखने के लिए UBA मीटर होता है हमारा, ये आप देख सकते हैं UBA मीटर। इसमें वर्किंग कैब में आपको बैटरी का बैटरी शो करता है हमारा, बैटरी वोल्टेज कितना है। इसके बगल में आप देख पा रहे हैं यू मीटर, ये आपका OHE आते ही ये अब शो करेगा कितना KV हमारा OHE है। इसके बगल में आप देखें Bogie 1 Bogie 2, ये Cab 2 लिखा हुआ है, ये Cab 2 का ही पैनल है, इसलिए ये Bogie 1 Bogie 2। इसमें आप देखेंगे बीच में निडिल है, ये बीच में निडिल जो है ये आप जब आप ये थ्रॉटल से आप जब ट्रैक्शन साइड लेंगे तो ये T दिखाएगा, और जब आप थ्रॉटल को ब्रेकिंग की ओर करेंगे पीछे की ओर तब ये BE दिखाएगा आपका। तो ये ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 के लिए, ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 के लिए है, तो ये दोनों। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नलिंग लैंप है, ये LSDJ पैनल ए में लगा है। तो LSDJ जब आपका DJ जब क्लोज होता है तो ये इंस्टिक्यूस हो जाता है, बुझ जाता है। और फिर ये देखिए LSHO, ये होटल लोड के लिए है, जब आपका गाड़ी में जब कपलर करता है तब आप होटल लोड के लिए, यहाँ पे एक स्विच है BLHO, इसको जब हम क्लोज करते हैं तब हमारा ये ग्लो होता है और होटल लोड काम करता है। LSP आप देख रहे हैं, जब हमारा जब बीज स्लिप होता है तब ये हमारा काम करता है, उसमें ये ग्लो हो जाता है और हमें इंडिकेट करता है। LSFI, ये जब इमरजेंसी ऐसा कुछ होता है तो ये फ्लैशर लाइट जलने के साथ साथ ये भी जलता है। आप देखेंगे LSBW, जब हमारा VCD 60 सेकंड के बाद जब VCD का जो 8 सेकंड के लिए जो लैंप जलता है वो उसमें ये LSBW ग्लो होता है, फ्लिकरिंग होते रहता है। फिर आप इधर से हम देखेंगे, इधर आ जाइए LSCE, आप देख सकते हैं LSCE जब ओवर टेम्परेचर होता है तब ये LSCE बत्ती जल जाता है। इसके बगल में आप देखिए BLK, ये BLK हमारा ऑफ पोजीशन में है, ये D पोजीशन है ड्राइविंग साइड और C कूलिंग साइड। जब हमें गाड़ी को संचालित करना होता है तब हम D में BLK को लगाते हैं, और जब ये ओवर टेम्परेचर हो जाता है तब हम C में लगा के कूलिंग करते हैं। C ऑन ऑफ भी करने का ये प्रोसीजर है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इस प्रकार ये BLK का काम है, और ये BLK है। इसके बगल में आप देख सकते हैं ZPT, ये ZPT जो है आप देख सकते हैं ZPT, इससे हम पेंटो को रेस करते हैं अप डाउन। जब भी हमें पेंटो उठाना होता है तो इसको हम स्प्रिंग लोडेड है, इसको प्रेस करते हैं तो ये पेंटो हमारा उठ जाता है, और इसको हम जब ऊपर करते हैं तो पेंटो लोअर हो जाता है। उसी के बगल में आप देख पा रहे हैं BLDJ, जब हम BLDJ को प्रेस करते हैं तो DJ हमारा क्लोज होता है, और जब हमको DJ को ओपन करना होता है तो इसी को हम ऊपर करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, DJ ओपन हो जाता है। BLCP ऑलरेडी ऑटो में होता है, जब हमें क्विक चार्जिंग या कुछ ऐसा ज़रूरत होता है तो हम इसको मेन में प्रेस करके रखते हैं, इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, तब तक ये मेन में रहता है और ऐसे छोड़ते ही ऑटो में अपना काम करते रहता है। और जब हमें अगर CP को ऑफ करना होता है तो हम ऊपर कर देते हैं, ये ऑफ हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट होटल लोड BLHO हम बताए थे अभी आपको कि जब होटल लोड की आवश्यकता होती है तब हम इसे प्रेस करते हैं, और हमारा जैसे ही होटल लोड काम करना शुरू करता है और यहाँ पे एक बत्ती जल जाता है LSHO, इसका मतलब हमारा होटल लोड काम कर रहा है, और इस प्रकार हमें BLHO का काम होता है। अब ये देखिए ZTEL, ये ZTEL का उपयोग करते हैं जब हम गाड़ी को इंचिंग मोड में, ठीक है, उस समय हमारा ये हमारा हमको ज़रूरत पड़ता है ZTEL का, या ब्रिज कहीं कमज़ोर है तो उस समय हम ट्रैफिक फेड हमारा 300 CN से कम हो तो इसके लिए हम इसको ऑन करते हैं इस समय। अब आप देख सकते हैं BPCS कांस्टेंट स्पीड, जब हम इसको प्रेस करके जब 5 KMPS से अधिक होता है हमारा स्पीड तब ये काम करता है, तब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट स्पीड हो जाता है और एक उसी स्पीड में गाड़ी चलते रहता है, ये इसके लिए है। अब देखिए एक यहाँ पे देखिए BP अब दिखा रहा है, ये
आइसोलेट किया गया है, ये है हमारा पार्किंग ब्रेक के लिए, तो पार्किंग ब्रेक इसमें नहीं है। आप देख पा रहे हैं BPVG और BPVR दोनों एक ही में काम करने के लिए लगा हुआ है। जब हमारा VCD हमारा अप्लाई हो जाता है तो उस समय हम VCD को एक्नॉलेज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या फिर VCD 60+8+8 में तो उसके बीच में हम इसको एक्नॉलेज कर देंगे तो हमारा VCD रिसेट हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि आप ये इमरजेंसी पुश बटन पैनल ए में लगा होता है। ये जो है इमरजेंसी पुश बटन कब काम आता है, जब आपको कोई भी आप देख लेते हैं कहीं भी कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ आगे ट्रैक में अचानक आ गया या कुछ फॉल्ट आ गया, तो उस कंडीशन में हम इसको प्रेस करते हैं तब ये इससे पेंटो लोअर DJ ओपन हो जाता है इसे। और ये एक बज गया Z-Band। ये Z-Band जो देख रहे हैं आप, ये Z-Band कब उपयोग होता है, जब हमारा बैंकर लोगों का काम आता है तब हम Z-Band को ऑन करते हैं। ये Z-Band को ऑन करके हम बैंकर लोगों को काम करते हैं। अगर ऑन रन में ये वर्किंग कैम में अगर ये ऑन हो गया तो BP ड्रॉप हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ये कभी भी ऑन में नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैंकर लोगों के काम के लिए आता है। तो चलिए ए केबिन का आपने देख लिया क्या है, अब हम बी केबिन का सॉरी ए पैनल में क्या क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, अब बी पैनल में देखिए क्या होता है। ये सारे प्रेशर गेजेस हैं, इसके बारे में हम बता देंगे आपको। सबसे पहले ये लगा हुआ जो गेज है BC, आप देख सकते हैं 3.5 kg, ये BC लगा हुआ है। ये ब्रेक सिलेंडर प्रेशर बताता है हमको। और ये देखिए आपको MR और FP के लिए है दो निडिल, ये MR प्रेशर हमारा बताता है और ये निडिल FP का प्रेशर बताता है। ठीक इसी के नीचे में लगा हुआ है हमारा BP, ये BP अभी तो जीरो है लेकिन 5 kg जब चार्ज होगा तो दिखाएगा, तो ये BP का है गेज। और इसके बगल में ये दो निडिल लगाता है, रेफरेंस और निडिल जो अंदर का है, तो ये आपका एयर फ्लो इंडिकेटर है। जब हम कभी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एयर फ्लो इंडिकेटर ऑटोमेटिक जीरो आता है रिलीज होने के बाद, तो ये हमारा एयर फ्लो इंडिकेटर है AFI। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने ब्रेक पैनल बी का देख लिया, अब हम पैनल सी की ओर चलते हैं। इसमें पैनल सी में क्या क्या लगा होता है ये देख, ये है पैनल सी, और इस सी पैनल में आप देख रहे हैं DDU यूनिट, ये आप देख रहे हैं बड़ा सा, ये DDU यूनिट है जो कि हम जब लोको एनर्जाइज करते हैं तो इस स्क्रीन पे आपको सारा स्पीड क्या आप ऑपरेशन फॉल्ट सारा कुछ इसमें आपको बताएगा। इसमें फंक्शन अंदर में स्क्रीन टच है, ये इस प्रकार ये काम करेगा, इसमें सारा कुछ रहता है। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसा काम करता है, इससे कैसे पता चलता है, कैसे हम सिमुलेशन मोड में गाड़ी को चलाते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो आप देख रहे हैं अब आगे, अब ये देखिए ऊपर में लाइट के कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए ZLC कैब लाइट के लिए है। ये कैब लाइट के लिए आप देखिए, ये कैब लाइट्स जो दिख रहे हैं ये कैब लाइट्स के लिए है, ये ZLC, और ये आप ZLI बोले तो इंस्ट्रूमेंट लाइट, ये इंस्ट्रूमेंट लाइट के लिए है। ये सब में जो लाइट आता है ना, ये सब लाइट्स इससे इंस्ट्रूमेंट लाइट से आएगा। और ZLDD बोले तो ड्राइविंग डिस्प्ले लाइट, ये आप देख सकते हैं ड्राइवर के ऊपर में ये लगा होता है, जब भी कोई कॉशन ऑर्डर या लॉग बुक या कुछ भी ऐसा लिखने के लिए यहाँ पे ये लाइट की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में ये लाइट जलाया जाता है, ये ड्राइवर डिस्प्ले लाइट से जल जाता है इसको ऑन करने के बाद। तो इस प्रकार इसके बगल में ये बजर लगा हुआ है, जब VCD हमारा अप्लाई हो जाता है इमरजेंसी ब्रेक, इस प्रकार का कुछ भी फॉल्ट आता है या बजर आता है तो उसमें यहाँ से ही बजर आता है, यही बजर का है, इसको बोलते हैं BZVOF। आप देख सकते हैं आप, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका Priority 1 Priority 2 मैसेज जब आता है तो ये देखिए आप BPFA और LSFI ये लैंप होता है, ये आपका फ्लिकरिंग होता है और ये जलते रहता है Priority 1 में, और Priority 2 में तो आपको मालूम है सिर्फ ये जलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हेडलाइट के लिए दो है आपका BLPR, ये फ्रंट और रेयर के लिए, ऐसे दबाए तो फ्रंट आता है और पीछे डालते हैं ये रेयर पीछे का हेडलाइट जल जाएगा और ऑफ में ये कुछ भी नहीं होगा। और ZPRD बोलते डिमर और फुल के लिए है, हम ऐसे डालेंगे इसको डाल के फुल किया तो ये डिम हो जाएगा लाइट और इसको ऊपर जब हम करते हैं तो ये फुल हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा हेडलाइट काम करता है। उसी के बगल में लगा हुआ है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं BPFL, हम इसे जब भी ऐसे रोटेट करते हैं तो फ्लैशर लाइट
ऑन हो जाता है और हम ऊपर में फ्लैश लाइट जलने लगता है, तो इस प्रकार ये हुआ। तो आप देखते हैं यहाँ ZFW, ये क्या है, ये एक ZFW क्या है बोले तो मार्कर लाइट के लिए, ये वाइट मार्कर लाइट इससे ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसी प्रकार बगल में है ZLFR, बोले तो R बोले तो रेड, ये रेड बत्ती से जल जाएगा। तो आप इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सी पैनल का आइटम्स ये सब है। ये देखिए ये लगा होता है मिडिल में, ये किसी पैनल में नहीं है, ए बी सी में नहीं है, ये बीच में लगा होता है। ये स्पीडोमीटर लगा होता है, इसके अंदर स्पीड डेट और किलोमीटर ये सब इसमें शो करता है, आप देख सकते हैं। और ये आपका होता है इसमें ट्रेन नंबर, ड्राइवर आईडी, ट्रेन लोड, ये डिस्प्ले इससे हम कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, ये सब होता है। ये छोटा सा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इमरजेंसी ब्रेक फ्रिज, बोले तो जब भी कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो हम इसको ऑन करके उसको आधा घंटा के लिए हम ये सारा मेमोरी इसमें सेव हो जाता है। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे दो लाइट लगे हुए हैं स्पीडोमीटर के ऊपर, जब ओवर स्पीड ऐसा कुछ होता है तो ये लाइट जलता है, इंडिकेट करता है। तो अब आप देख सकते हैं अब ड्राइव, ये देखिए लोको ब्रेक, डायरेक्ट ब्रेक जिसको बोलते हैं, ये हो है हमारा डायरेक्ट ब्रेक, और ये हमारा A9 हैंडल है, ठीक है, ऑटो ब्रेक भी बोलते हैं इसको। इससे लोको और फॉर्मेशन दोनों का ब्रेक लगता है और A9 से लोको ब्रेक लगता है। आप ये देख सकते हैं HT और LT हॉर्न है ये, इसको जब हॉर्न बजाना होता है तो आगे का और HT बजेगा और पीछे LT बजेगा। ये देखिए मेन आपको थ्रॉटल, इससे गाड़ी मूव होता है जब हम इसको ये हमारा रिवर्सर है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। फ्रंट आगे जाना है तो F में लगाते हैं फ्रंट साइड, और पीछे जाना है तो रेयर साइड लगाते हैं। जब ये हम लगा के उसके बाद हम ये थ्रॉटल को हम ऑपरेट करते हैं। ये जैसे ही आगे होता है ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, जितना परसेंट देंगे उस हिसाब से स्पीड हमारा इंक्रीज होते रहता है। जब हमको ब्रेकिंग की ज़रूरत होता है तो हम इसको पीछे करते हैं, इस प्रकार ब्रेकिंग भी होता है। तो हम आपको ये आप एक बार पूरा देख सकते हैं कि ए पैनल, बी पैनल और सी पैनल, हॉर्न, A9 SA9, ये लोको पायलट का बैठने का सीट है। और ये देखिए नीचे में 3 फुट पैडल है, PSA सैंडिंग के लिए है, PBEF बोले तो जब हम A9 का प्रयोग करते हैं उस कंडीशन में ये PBEF जो आप देख रहे हैं, ये PBEF इसको हम प्रेस करते हैं तो लोको ब्रेक नहीं लगता है। ये देखिए विजिलेंस DCD को एक्नॉलेज करने के लिए। इस प्रकार से ड्राइवर डेस्क पे इतना कुछ लगा होता है, ये लोको पायलट ऑपरेट करके सुरक्षित रूप से अपना गाड़ी को गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। और एक देखिए आप एक नया चीज़ है, ये भी मैं इसको चर्चा कर देता हूँ। ये देखिए आप रात में सिग्नलिंग लैंप है, ये हम दबाने से ग्रीन लाइट, ऑल राइट एक्सचेंज है ना, ये रेड कुछ भी डेंजर है, तो इस प्रकार प्रेस करके हम अगला आने वाली गाड़ी को हम बता सकते हैं। तो आपको दोस्त कैसा लगा हमारी जानकारी, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, और कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है और क्या करना चाहिए आगे, क्या वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।